लर्निंग को लेकर चंदन कुमार एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। इसके पहले भी चंदन जी हमसे जुड़े थे, दो दिन पहले भी इनसे मुखातिब हम लोग हुए थे, लेकिन आज जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि गांव में एक घटना घट गई है जिसके वजह से ये लोग अबीर गुलाल जो है उसका यूज नहीं कर रहे हैं। होली भी है, ऐसे में क्या कुछ शुभकामना देंगे वार्डवासियों को? क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। अच्छा, आज तो होली मिलन समारोह था लेकिन कहीं ना कहीं से पोस्टपोन्ड ही हो गया क्योंकि आपके गाँव में घटना हुआ। किस तरीके से लोगों को शुभकामना देंगे, क्या कहेंगे? जैसे वो दुर्घटना हो गया तो इसलिए हम लोग रंग अबीर के नहीं यूज करेंगे, बस ऐसे ही होली समारोह करेंगे। अच्छा, सब लोग के धन्यवाद करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये चुनाव भी नज़दीक आ गया है, किस तरीके से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? बहुत अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि चुनाव जीतेंगे? उम्मीद तो है चुनाव जीत जाएंगे। चाचा लोग युवा हमारे लोग चाचा लोग बाबा लोग साथ में है, सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, समाज को लेकर चुनाव जीत जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? समरजीत कुमार। अच्छा, आप इसी नंबर यहीं के हैं? जी जी। अच्छा, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके वार्ड में अगर देखा जाए तो? बहुत सारे समस्याएं हैं, जैसे क्या है? नाले नहीं हैं, शौचालय नहीं है, ये सब की बहुत सारी समस्याएं हैं, इनको खूब करा के। और चंदन जी को आने वाला वक्त में कितना सपोर्ट मिलेगा, किस तरीके से जो है वोट मिलेगा, क्या कहेंगे? मेरे तरफ से 100% का सपोर्ट रहेगा, मेरे नहीं मेरे फैमिली की तरफ से भी 100% की सपोर्ट रहेगी। आप कुछ बताएंगे सर, क्या नाम हुआ? भागवत राय। यहीं के रहने वाले? जी जी। अब तो चूंकि नगर परिषद में शामिल हो गया है दिघी पश्चिमी, क्या कहेंगे? नया लड़का है, यंग ब्लड है और समाज सेवी है, जनता जो इसके प्रति प्रभावित है और हम लोग को उम्मीद है मानी खड़ा उतरेगा कि जनता की सेवा मन से और तन से करेगा। उपिंदर राय। उपिंदर राय। पहले तक तो मुखिया को वोट करते थे, अब वार्ड कमिश्नर को वोट करेंगे, कितना जो है बदलाव देखने को मिल रहा है आपके क्षेत्र में? अच्छा तो यही लड़का है नया में, चंदन जी। हाँ चंदन जी, और कोई दिक्कत नहीं, जीतेंगे हम लोग। उम्मीद है हम लोग जीतेंगे। आप कुछ बोलेंगे? हाँ, युवाओं का वोट भी बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि युवा का ही क्रेज रहा है हर चुनाव में देखने को, अगर देखें तो कहीं ना कहीं से चंदन जी भी अभी युवा ही हैं। क्या लगता है चंदन जी के प्रति कितना झुकाव रहेगा वार्ड के लोगों को? चंदन जी के प्रति जितने भी युवाएँ हैं, जितने भी युवा लोग हैं, उनका झुकाव इनके प्रति रहेगा और वार्ड पार्षद में जितने भी समस्याएँ हैं उनका ये निवारण करेंगे। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, वार्ड परिषद भावी वार्ड परिषद से लड़ रहा हूँ चुनाव, इसलिए अपने क्षेत्र में जो भी ऐसा काम होगा वो पूरा करूँगा। होली रामनवमी भी आ रहा है, क्या शुभकामना देंगे? होली रामनवमी ईद सबके हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं।